माहौल का लुत्फ लेते हुए पर्यटक दिखे। सामने वाटरफॉल दोस्तों देखिए, आगे हम पहुंच गए फाइनली वाटरफॉल पर, कॉर्बेट वाटरफॉल। और यहाँ से है देखने वाला देखिए, पूरा घना जंगल। और ये पानी बह रहा है देखिए यहाँ से, ये गया पानी देखिए। हम आ चुके हैं वाटरफॉल पर अभी, ये देखिए काफ़ी पर्यटक टूरिस्ट है यहाँ पर आज, दिवाली की छुट्टियों में काफ़ी यहाँ पर आज देखने आए हैं वाटरफॉल। और दोस्तों देखिए, अब मैं जा रहा हूँ आगे अंदर और आपको दिखाते हैं यहाँ पर। ये देखिए, पेड़ पौधे मत करो नष्ट, सांस लेने में होगा कष्ट, कालाढूंगी वन क्षेत्र। दोस्तों बिल्कुल नियम का पालन करें, घने ये जंगल। और देखिए यहाँ पर एलिफेंट का भूत भी बना हुआ है। बहुत पर्यटक यहाँ पर देखिए लुत्फ लेते हुए वाटरफॉल का। पर्यटकों को हम समझाते हैं, इनको रोकते हैं, कहते हैं कि ये पन्नी अन्नी मत फेंको, पन्नी उसके लिए डस्टबिन भी रखवाए हैं। अच्छा। और पर्यटक आते हैं उनके लिए धूम्रपान निषेध कर रखा है। हाँ, जैसे आप लोग अपने घरों को साफ सुथरा रखते हैं, वैसे ही ये जंगलों को भी रखें। और हमारी देखिए ये वाइल्ड लाइफ है इनमें, और वाइल्ड लाइफ जब हमारे जंगल सेफ हैं, जब हमारे ये वाइल्ड लाइफ सेफ हैं दोस्तों, आए दिन कोई भी आप बोतल कंच की बोतल फेंकते हैं, अगर टाइगर के पैर में लग गया और अगर वो घायल हुआ तो उसके बाद वो क्या करेगा, सीधे गांव में आएगा और गांव में अटैक करेगा। तो इससे बचने के लिए हमें ये जंगलों को साफ सुथरा रखना है। बहुत से पर्यटक बियर की बोतलें और वाइन शॉप वाइन की बोतलें अंदर पीते हैं बैठते में देखा है, तो ऐसा बिल्कुल ना करें, इन जंगलों को साफ सुथरा रखें। और हम नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश, मेरे यूट्यूब चैनल देवभूमि नैनीताल दर्शन में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। और सुबह का बजा है अभी 10, और दोस्तों आज मैं जा रहा हूँ नई लोकेशन पर, बिल्कुल खड़ा हूँ अभी जिम कॉर्बेट, जो वाटरफॉल कहते हैं कॉर्बेट वाटरफॉल। दोस्तों कभी आप जिम कॉर्बेट घूमने आएँ, नैनीताल जाएँ, तो आप जिम कॉर्बेट वाटरफॉल भी घूम के जरूर जाएँ। और काफ़ी घने जंगल के बीच में, बीच जंगल में है, और मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ की लोकेशन। कभी आप जिम कॉर्बेट से जब नैनीताल को जाएंगे तो नया गाँव पर एक लेफ्ट हैंड पर आपको मिलता है वाटरफॉल, और जो काफ़ी घने जंगल के बीच में आपको काफ़ी एडवेंचर देखने को मिलता है, और कभी कभी वाइल्ड एनिमल भी मिल जाते हैं देखने के लिए। तो और कभी जिम कॉर्बेट आए तो जिम कॉर्बेट से भी आप अप डाउन कर सकते हैं वाटरफॉल। और आजकल खुला है, इको पार्क है ये कॉर्बेट फॉल्स इको वाटरफॉल, और काफ़ी पर्यटक यहाँ पर आता है घूमने के लिए दोस्तों। और कभी भी आप जिम कॉर्बेट नैनीताल घूमने आएँ तो ज़रूर वाटरफॉल देख के जाएँ। और देखिए यहाँ काफ़ी अच्छा पानी है और घने जंगल के बीच में ये वाटरफॉल है, और मैं आपको दिखाता हूँ पूरी लोकेशन। और चलते हैं आगे को, दिखाते हैं कि यहाँ पर क्या क्या है। और गेट जो इसका बना हुआ है लेफ्ट हैंड पे, और काफ़ी आकर्षित गेट जिसमें कि एलिफेंट खड़े हुए हैं, बूथ बने हुए हैं, और काफ़ी आकर्षित करता है पर्यटकों को ये। और चलते हैं आगे और दिखाते हैं आपको सामने वाटर फॉल कॉर्बेट का। देखिए सामने इंट्रेंस गेट, ये देखिए कॉर्बेट फॉल्स इको पार्क भी यहाँ पर अंदर है दोस्तों। मैं भी पहली बार यहाँ पर आ रहा हूँ, और यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला इंट्रेंशन गेट जो है आप देख सकते हैं। और सामने देखिए एक तालाब भी बना हुआ है यहाँ पर, और ये है देखिए नैनीताल और जिम कॉर्बेट रोड आप देख रहे हैं सामने। और यहाँ पर एक पार्क भी बना है, और ये देखिए
टिकट घर यहाँ पर है और ये वाटरफॉल है। वाटरफॉल का ये रास्ता, यहाँ से एंट्री गेट होती है और एडवेंचर पार्क भी है यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए है सामने वाटरफॉल, ये देखिए गेट है यहाँ पर, यहाँ पर एंट्री होती है आपकी। और 100 रुपीज़ व्हीकल का होता है और अगर आप वीडियो कैमरा ले 200 और 2 बाइक के लिए यहाँ 50 रुपीज़ है और चाइल्ड के लिए 25 रुपीज़। और कभी आप जिम कॉर्बेट नैनीताल आएँ तो वाटरफॉल ज़रूर घूमें दिखे यहाँ पर। और दोस्तों देखिए हमारे जो इस रेंज के हमारे जो रेंजर साहब, डिप्टी रेंजर साहब हैं और ये आज हमारे सामने हैं और ये पर्यटकों को संदेश देना चाहते हैं। दोस्तों जैसे आप लोग अपने घरों को साफ़ सुथरा रखते हैं वैसे ही ये जंगलों को भी रखें। और हमारी देखिए ये वाइल्ड लाइफ है इनमें, और वाइल्ड लाइफ जब हमारे जंगल सेफ हैं, जब हमारे ये वाइल्ड लाइफ सेफ हैं दोस्तों, आए दिन कोई भी आप बोतल कंच की बोतल फेंकते हैं अगर टाइगर के पैर में लग गया और अगर वो घायल हुआ तो उसके बाद वो क्या करेगा, सीधे गांव में आएगा और गांव में अटैक करेगा। तो इससे बचने के लिए हमें ये जंगलों को साफ़ सुथरा रखना है। बहुत से पर्यटक बियर की बोतलें और वाइन की बोतलें अंदर पीते हैं बैठते में देखा है, तो ऐसा बिल्कुल ना करें। इन जंगलों को साफ़ सुथरा रखें और हमारे डिप्टी रेंजर साहब कुछ टूरिस्ट जो यहाँ पर आते हैं घूमने के लिए उनको कुछ संदेश देना चाहते हैं और आप इनके संदेश का जरूर पालन करें। और मैं आपको मिलाता हूँ डिप्टी रेंजर जो इस रेंज के हैं हमारे वाटरफॉल के। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार सर। हमारे जो टूरिस्ट आ रहे हैं बहुत से, मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर अंदर बियर की बोतलें फेंक रहे हैं रोड के आसपास और गंदगी, चिप्स के रैपर बोतल, तो इनके लिए आप थोड़ा सा संदेश दे दीजिए। हाँ, इन पर्यटकों को हम समझाते हैं, इनको रोकते हैं, कहते हैं कि ये पन्नी अन्नी मत फेंको, पन्नी उसके लिए डस्टबिन भी रखवाए हैं। अच्छा। और पर्यटक आते हैं उनके लिए धूम्रपान निषेध कर रखा है। हाँ। उनकी बाकायदा चेकिंग वेकिंग करके भेजते हैं कि ताकि ये बोतल वोतल वो न ले जाए कांच की ना। हाँ हाँ ना, सही है। और ये साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है हमारे पास। हाँ, जैसे लोग अपने घरों को साफ़ सफाई रखें ऐसे ही हमने इन जंगलों को भी साफ सुथरा रखना है। और पीएम मोदी का जो सफाई अभियान है उसके तहत भी हमारे यहाँ साफ़ सफाई अच्छी तरीके से रखी जाती है। और दोस्तों देखिए हमारे उत्तराखंड की जो वन विभाग की टीम है कितनी मुस्तैद है। सुबह सुबह डिप्टी रेंजर साहब यहाँ पर 9 बजे गेट एंट्री पर अपने यहाँ पर ड्यूटी दे रहे हैं देखिए गेट पर। और ऐसी हमारी उत्तराखंड की वन विभाग की टीम है और ऐसे वन विभाग टीम ऐसे हमारे अगर चुस्त दुरुस्त रही तो हमारे जंगल एक दिन अमेजोन के जंगल बनेंगे। और जहाँ पर लोग वाइल्ड एनिमल को कम और ज़्यादा जंगलों को देखने के लिए आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। सामने देखिए ये लिखा हुआ है, अब हम जाएंगे अंदर और दिखाएंगे आपको एडवेंचर। और देखिए मेरे आगे एक जारी है गाड़ी, और दोस्तों देखिए हमें ये जंगल जरूर बचाने हैं। और इन ये देखिए पेड़ पौधे मत करो, नष्ट सांस लेने में होगा कष्ट, कालाढूंगी वन क्षेत्र। दोस्तों बिल्कुल नियम का पालन करें, पेड़ पौधे जब तक हैं जब तक हमारी सांसें हैं, और अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे तो ये सांसें हमारी रुक जाएंगी। दोस्तों देखिए हमारे कितने घने ये जंगल हैं और मैं आपको दिखा रहा हूँ कि तो पानी का स्तर जो है जंगलों से बढ़ता है और जंगल देखिए कितने हमारे घने ये जंगल। और देखिए यहाँ पर एलिफेंट का भूत भी बना हुआ है। पानी की आप सड़सड़ाहट देखिए, ये पानी वाटरफॉल का है। और अब हम चलते सीधे आगे को, देखिए पूरा जंगल का एरिया दोस्तों ये देखिए। दोस्तों इन जंगल के रास्तों पर बंदर को खाना बिल्कुल ना दें, ये दंडनीय अपराध है। और कभी भी यहाँ पर बोतल और चिप्स की रैपर पैकेट और बिल्कुल ना फेंकें। और बिल्कुल यहाँ शराब पीना निषेध है, बियर पीना निषेध, बियर की बोतलें शराब की बोतलें बिल्कुल ना फेंकें यहाँ पर। और ये देखिए यहाँ पर कीप योर डिस्टेंस, और यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ और आगे देखिए, देखिए यहाँ पर नोटिस है डियर एरिया कुमाऊं दिस एरिया प्लीज गिव मीट रिसीव ऑफ दिस कीप योर डिटेंस। ये देखिए बिल्कुल यहाँ पर डियर सांभर भी कितनी बार मिलते हैं इस एरिया में। यहाँ की पार्किंग, और देखिए सुबह सुबह 10 बजे काफ़ी पर्यटकों की भीड़ है यहाँ पर।
ये देख सकते हैं आप कितनी भीड़ हो रही है यहाँ पर। देखिए हम आ चुके हैं वाटरफॉल पर अभी। ये देखिए काफ़ी पर्यटक टूरिस्ट है यहाँ पर आज, या दिवाली की छुट्टियों में काफ़ी यहाँ पर आज देखने आए हैं वाटरफॉल लोग। और रेस्टोरेंट भी है यहाँ पर, देखिए चाय मैगी कॉफ़ी सब मिलता है यहाँ पर अंदर देखिए। और ये रास्ता है यहाँ का, और पर्यटक आगे देखिए वाटरफॉल देख करके। और देखिए यहाँ पर एक छोटा सा फॉल भी गिर रहा है, देखिए जो वाटरफॉल का जो पानी है वो है। और देखिए पर्यटक भी आ रहे हैं देखिए सामने। और पूरा घना जंगल, सामने देखिए पर्यटक और सामने लोग लोकल के यहाँ पर कोई। और ये पानी देखिए, और ये जा रहे पर्यटक देखिए सामने। यहाँ से है पैदल रास्ता, और यहाँ पर देखिए है लंगूर, ये देखिए। और लंगूर को खाना बिल्कुल ना दें। ये देखिए काफ़ी लंगूर यहाँ पर रास्ते पे, और इनसे डरे ना बिल्कुल। और घने जंगल के बीच में देखिए कॉर्बेट के घने जंगल में, जिम कॉर्बेट के। और प्रतिबंधित क्षेत्र, झरने के नीचे जाना पानी में उतरना प्रतिबंधित है यहाँ पर देखिए। और टूरिस्ट आकर गए देखिए सामने, और काफ़ी 200 मीटर का झरना। अगर आप थक जाते हैं यहाँ पर बने हैं बेंच वन विभाग द्वारा देखिए। पूरा घने जंगल में यह झरना, और मुझे लगानी पड़ी है दौड़, मैं हूँ अकेला बिल्कुल यहाँ पर अभी। और देखिए पर्यटक यहाँ पर देख रहे हैं झरने, ये देखिए। सामने वाटरफॉल दोस्तों देखिए, आगे हम पहुंच गए फाइनली वाटरफॉल पर, कॉर्बेट वाटरफॉल। और यहाँ से है देखने वाला देखिए, पूरा घना जंगल। कॉर्बेट फॉल के पानी में जाना व नहाना सख्त मना है, आदि समय दंडनीय अपराध, मदिरा का सेवन बिल्कुल ना करें।
और ये पानी बह रहा है, देखिए यहाँ से ये गया पानी, देखिए ये पानी यहाँ से निकला है, देखिए बाहर कभी जिम कॉर्बेट आए तो जरूर यहाँ पर देख के जाएं वाटरफॉल। बहुत पर्यटक यहाँ पर देखिए लुफ्त लेते हुए वाटरफॉल का। वाटरफॉल का लुफ्त लेते हुए पर्यटक और दोस्तों देखिए ये है वाटरफॉल यहाँ का, और यहाँ पर काफ़ी सावधानी से आएँ क्योंकि रास्ते पे कभी कभी वाइल्ड एनिमल भी मिल जाते हैं। इन जंगल पूरा घना जंगल रिजर्व फॉरेस्ट का जिम कॉर्बेट से का ही ये लगा हुआ जंगल है, और कई बार यहाँ पर वाइल्ड एनिमल भी मिल जाते हैं। और देखिए 200-300 मीटर पूरा जंगल का रास्ता पैदल पैदल, और काफ़ी सावधानी से, और बंदरों को खाने का सामान बिल्कुल ना दें और अकेले बिल्कुल ना आएँ यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर कभी कभी वाइल्ड एनिमल भी दिख जाते हैं। और पूरा 200-300 मीटर ये पैदल का रास्ता आप देख रहे हैं, और कभी भी हो सावधानी से इस पार्क में आए, और कभी बीड़ी सिगरेट पूरा जंगल डेन फॉरेस्ट के बीच में यह जंग वाटरफॉल है। यहाँ पर हमेशा बीड़ी तिल फेंक सिगरेट ना फेंकें, और बोतल बियर चिप्स की बोतल पैकेट रैपर बिल्कुल ना फेंकें, जिससे जंगल का माहौल गलत होता है दोस्तों। और देख रहे हैं आप कितनी साफ़ सफाई यहां पर रखी गई है वन विभाग द्वारा, और मोदी जी की जो स्वच्छता अभियान चल रहा है दोस्तों, इसमें पूरा यहां पर फॉलो हो रहा है। देखिए आप पूरी जंगल में कोई पत्ता नहीं, कहीं रास्ते पर आप देख रहे हैं बिल्कुल साफ़ सुथरा, कहीं पर कोई चिप्स रैपर बिल्कुल ना फेंके दोस्तों। और सफाई का विशेष ध्यान दें, और काफ़ी सावधानी से यहाँ पर जाएं इस वाटरफॉल में, क्योंकि यहाँ पर जंगली जानवर भी काफ़ी बार दिखाई देते हैं। और आपने रोड पर समय आए तो आपने देखा कई बार लिखा हुआ था वहाँ पर कि वाइल्ड एनिमल रोड क्रॉस, ये कोई भी वाइल्ड एनिमल्स मूवमेंट कर सकता है, क्योंकि पूरा जंगल का एरिया दोस्तों। और ऐसा है जिम कॉर्बेट वाटरफॉल दोस्तों। देखिए जो वन लंगूर या कोई भी बंदर देखिए अपना खाना खुद ले लेते हैं, और देख रहे हैं आप पत्तों को ये खा रहे हैं, और इनको बिल्कुल खाद्य पदार्थ न दें जंगल के रास्तों पर कहीं पर भी, और कई बार एक्सीडेंट हो जाता है इनका। और बंदरों को खाना बिल्कुल ना दें, यहाँ पर देखिए ये खुद अपना खाना नेचुरल खाना जंगलों से पत्ते बूटे और जड़ी बूटियाँ खाकर ये अपना पूरा भोजन ले लेते हैं। और ये वो पानी है जो वाटरफॉल का है दोस्तों, ये देखिए ये पूरा वाटरफॉल का पानी है, देखिए पूरा देखिए आप नेचुरल जंगल, और जंगल की नेचुरलता हमें ऐसे ही बनाए रखनी है दोस्तों। ये देख सकते हैं आप कितना खूबसूरत नज़ारा जंगल का, और सफाई का विशेष ध्यान रखते हुए देखिए यहाँ पर लंगूर कुछ खा रहा है देखिए रास्ते पर ये, और काफ़ी सावधानी से है क्योंकि घने जंगल में है ये, काफ़ी कभी कभी वाइल्ड एनिमल मिल जाते हैं यहाँ पर, और बंदरों को खाना बिल्कुल ना दें ये देखिए।
और लंगूर दिखिए, यह दिखिए आपका एडवेंचर पार्क। और यहाँ पर आपको सारे एडवेंचर मिलते हैं, देखिए आप। ये देखिए पूरी रस्सियाँ बंधी हुई हैं यहाँ पर। और हमारी एडवेंचर की टीम यहाँ बैठी, ये है एडवेंचर टीम, देखिए यहाँ पर ये एडवेंचर कराते हैं लोग। देखिए ये पूरा एस्टिमेट रखा हुआ है यहाँ पर। कभी आप नैनीताल में काफ़ी भीड़ होती है तो आप कॉर्बेट में कभी वाटरफॉल आए तो ज़रूर आप भैया देखिए जंगलों के बीच में बैठे हैं और आपको देते हैं एडवेंचर की सर्विस। ये देखिए मुस्तैद बैठे हैं, और कभी भी आप आएँ तो यहाँ पर एडवेंचर करें भैया के साथ। और यहाँ पर देखिए पर्यटक जाते हुए ये वाटरफॉल की तरफ। धीरे धीरे भीड़ भी बढ़ रही है दोस्तों, देख सकते हैं पर्यटक काफ़ी आने लग गए अब धीरे धीरे। देखिए गाड़ियाँ भी आ रही हैं नई नई। ये देखिए एड यहाँ पर एक पर्यटक आ चुके हैं। और दोस्तों देखिए पूरा जंगल का एरिया, पूरा जंगल का रास्ता, और काफ़ी सावधानी से जाएं। कई बार यहाँ पर वाइल्ड एनिमल भी मिलते हैं, और स्पीड पर कंट्रोल करते हुए और पूरी जंगल की के नियमों का उल्लंघन बिल्कुल ना करें। और बाइक वाले जरा थोड़ा सावधानी से और धीरे धीरे आएँ। देखिए बाइक वाले भी आ रहे हैं यहाँ पर। और दोस्तों इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करता हूँ। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और दोस्तों में भी शेयर करें। और कल तक के लिए बाय बाय।